हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास एंड वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 247। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन। अब बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे सबसे बेसिक जो पर्सनली मुझे लगता है मशीन में है वो है आपका मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक सर्किट। बिकॉज अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन की तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन की। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना या मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना। बट ये दोनों एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रही, यहाँ पे कन्वर्जन में बीच में एक इंटरमीडिएट एनर्जी है एंड दैट एनर्जी इज मैग्नेटिक एनर्जी। तो इस मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में पूरा हमें पढ़ना है, जो भी कॉन्सेप्ट है हम उसको समझेंगे एंड डेफिनेटली आज इसको हम कंप्लीट करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे टर्म्स हो गए। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो मशीन का है वो लगभग 5 लेक्चर का है और ये 5वें लेक्चर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। 4 से 5 लेक्चर एटलीस्ट लगेंगे, जिसके अंदर मैं आपको टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या है, आपका लोड टॉर्क क्या है, आपकी कॉइल पिच क्या है, आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं यानी कि बेसिक्स हैं मशीन के लिए, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और हम मूव करते हैं कि हेलो ओके चलिए। तो आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में। मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी कि MMF, इसको हम कहते हैं MMF। ठीक है, MMF आपने शायद एक नाम सुना होगा EMF, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता था। ये बेसिकली आप इसको सोर्स कह सकते हैं या इसको आप वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, बेसिकली सोर्स हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज सोर्स ही होता है, इसलिए सोर्स अलग या वोल्टेज अलग कहने का कोई सेंस नहीं है। चलिए, तो अब MMF और EMF काफ़ी रिलेवेंट हैं, काफ़ी इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। बट एक EMF की अगर बात करें तो EMF हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, MMF हमारा मैग्नेटिक सर्किट में होता है। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे तो भाई मैग्नेटोमोटिव फोर्स की बात करें तो इसको हम H से डिनोट करते हैं। H जो होता है बेसिकली MMF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ N इंटू I, N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, N आपका यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, I यहाँ पे आपका करंट है। ठीक है, करंट है, ये आपका एम्पियर्स। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें इट इज़ रिस्पॉन्स, तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। फ्लक्स यानी कि फाई मैग्नेटिक सर्किट में, इन अ मैग्नेटिक सर्किट, तो मैग्नेटिक सर्किट में ही फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक सर्किट लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी अगर आपको ये पता है कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स की अगर बात करें तो फ्लक्स जो होता है हमारा, ये बेसिकली अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन्स आ रही हैं, क्या इस तरीके से मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड द फ्लक्स। क्या कहलाता है ये, फ्लक्स कहलाता है। मैंने आपको 14 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये एनालॉगस टू EMF इन इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। ठीक है, चलिए हमने अभी हमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, देखते हैं कि आखिर MMF होता क्या है। तो MMF अगर हम देखें तो देखिए भाई ये एक मैग्नेटिक सर्किट है, इस मैग्नेटिक सर्किट में आपको दिख रहा होगा कुछ नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, मैं नंबर ऑफ़ टर्न्स आपको गिन के बता देता हूँ। तो अगर मैं इसको काउंट करूँ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये एट्थ, 8 टर्न्स यहाँ पे टोटल बने हुए हैं, ये आपके 8 टर्न्स हैं। अगर मैं यहाँ पे सोर्स लगा दूँ, यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दूँ, डीसी सोर्स नहीं, ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है जो कि आपको आई दिख रहा है, तो मैं इस सोर्स को वी ऑफ टी कह दे रहा हूँ और लेट से मैं कह रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि इसका आरएमएस वैल्यू, करंट का आरएमएस वैल्यू जो है वो 10 एम्पीयर है। तो अगर मुझे MMF कोई पूछे यहाँ पे कि भाई MMF कितना है यहाँ पे, तो मैं पूछूंगा कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं भाई, नंबर ऑफ टर्न्स 8 है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आरएमएस करंट 10 एम्पीयर, तो टोटल MMF कितना हो गया आपका 80 टर्न्स
एमपीएस। तो याद रखेंगे कि इसका जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है हमारी 80 टर्न्स एम्पियर, ठीक है, ये आपकी यूनिट होती है। तो 80 टर्न्स एम्पियर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए कोई भी मैग्नेटिक सर्किट है वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस होगा, फ्लक्स कहने का मतलब है मैग्नेटिक लाइंस। तो अब मैग्नेटिक लाइंस जो फ्लो होती हैं, अगर मैं इस सर्किट में बात करूँ, ये जो आपको मैग्नेटिक सर्किट दिख रहा है, ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं, दीज डॉटेड लाइंस, ये जो आपको यहाँ पे बना है, ये डॉटेड लाइंस बेसिकली ये आपके मीन लेंथ हैं इस मैग्नेटिक सर्किट के। मीन लेंथ अगर आपको मैं बताऊं तो मीन लेंथ कैसे मेजर किया जाता है कि भाई आपने क्या किया, ये आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस जो है इक्वल है, यानी कि ये जो आपका मिडल, ये जो सेंटर है आपका, वो आपका मिडल है, ठीक है। दिस इज द मिडल ऑफ द मैग्नेटिक विड्थ, ये टोटल विड्थ है इसकी, और ये जो मिडिल पॉइंट है ये आपका सेंटर है, और इसके अक्रॉस जो पूरी लेंथ है इसको हम कहते हैं मीन लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो मीन लेंथ है, जो भी फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये फ्लक्स अलोंग द मीन लेंथ ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है? अलोंग द मीन लेंथ। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके के फ्लक्स होते हैं, अगर आप सभी ने टर्म सुने होंगे मशीन में, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप ये टर्म सुनते होंगे कि यहाँ पे म्यूचुअल फ्लक्स है, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स है, यहाँ पे यूजफुल फ्लक्स है, तो ये सारे टर्म्स आप सुनते होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, जो म्यूचुअल फ्लक्स की बात अभी हम नहीं करेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स हम तब देखेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे होंगे। अगर हम मैं यूजफुल फ्लक्स की बात करूँ, तो जो भी फ्लक्स लाइन्स, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ मीन लेंथ, मतलब मीन लेंथ के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज द यूजफुल फ्लक्स। जैसे कि ये जो फ्लक्स आपको दिख रहा है, दिस इज यूजफुल फ्लक्स, क्योंकि ये अलॉन्ग द मीन लेंथ ट्रैवल कर रहा है। अगर कोई फ्लक्स अलॉन्ग द मीन लेंथ ट्रैवल ना करके डिस्ट्रैक्ट कर जाए, अपने पाथ से डेविएट हो जाए, जैसे ये एक पाथ हो गया आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये इस तरीके से चले जाए, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है और इस तरीके से चला जाए, तो ये जो फ्लक्स है आपका, दिस फ्लक्स इज कॉल्ड एज द लीकेज फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए कारण क्या होता है कि, मतलब क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारा लीकेज फ्लक्स है, वो लीकेज फ्लक्स आपका डेविएट कर रहा है, मतलब बेसिकली ऐसा फ्लक्स जो लीक डेविएट कर रहा है उसको हम लीकेज फ्लक्स कह रहे हैं, और कुछ ऐसे फ्लक्स हैं जो अलोंग द लेंथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये डेविएट कर रहे हैं? देखिए अगर आपको एक टर्म याद हो, आप सभी को पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे एक रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से ये जो आपको मैग्नेटिक सर्किट दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका अपना एक रिलक्टेंस होता है। ये बेसिकली हम ऐसा कहें कि जो फाई है, जो फ्लक्स है, जैसे मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ, पहले आप इसको समझ में आ गया होगा, ऑफ कोर्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूजफुल फ्लक्स क्या है आपका और लीकेज फ्लक्स क्या है। तो इसके बाद हम पहले देखते हैं कि ईएमएफ और एमएमएफ में क्या रिलेवेंस है, फ्लक्स और करंट में क्या रिलेवेंस है, और आपका जो आपका रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस है उसमें क्या एनालॉजी है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम एनालॉजी की बात करें, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दो सर्किट मैंने बनाए हैं। जो पहला सर्किट है, ये सर्किट आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका एक मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ पे सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स। मैंने आपको बताया सोर्स जो भी होगा वो आपका वोल्टेज सोर्स ही होगा, प्रैक्टिकली कोई करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ आइडियल या थियोरेटिकल पोर्शन, आइडियल कह रहा हूँ मैं, सिर्फ थियोरी पोर्शन के लिए हम उसको स्टडी करते हैं, बट आपके प्रैक्टिकल केस में कभी भी आपका करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब देखिए इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, और इस सर्किट में रेजिस्टेंसेज हैं दो, R1 और ये आपका R2, ठीक है। अगर हम इस सर्किट की बात करें, तो इस सर्किट, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट है, जो पहले वाला आपको स्लाइड मैंने बताया, यानी कि ये वाला स्लाइड, ठीक है, ये वाला स्लाइड जो मैंने आपको बताया, इसी सर्किट का मैंने आपको एक इमेज यहाँ पे बनाया है, और ये बिल्कुल ऐसा है। अब यहाँ पे F क्या है? F यहाँ पे बेसिकली, इसको मैं काट रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ H, क्योंकि मैंने आपको MMF बताया है H, MMF क्या होता है, H से डिनोट करते हैं, तो H मैंने बताया, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है।
और यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो क्या हो रहा है, फ्लक्स। यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा था, करंट। यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, फ्लक्स। यहाँ पे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो रेजिस्टेंस थे, R1 और R2। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है RC। क्या है ये आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे है RC और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका RG। क्या है आपका RG। RC जो है ये बेसिकली कोर का रिलक्टेंस है, और RG जो है ये एयर गैप का रिलक्टेंस है। देखिए अब जैसे फ्लो, करंट जैसे फ्लो होता है उसको अपोज करता है आपका रेजिस्टेंस, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है और उसको अपोज कर रहा होता है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सॉरी रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस दो चीज़ों का यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं। एक तो पूरा जो मैग्नेटिक कोर था, जैसे ये वाला पीछे ये डायग्राम आप देखिए, ये पूरा डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक मैग्नेटिक कोर है जिसमें एक छोटा सा गैप है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे गैप है, ठीक है, ये गैप है। तो इसका अपना एक रिलक्टेंस होगा, क्योंकि एयर गैप का अपना रिलक्टेंस होगा और मैग्नेटिक मटेरियल का अपना रिलक्टेंस होगा। तो ये जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसका रिलक्टेंस हमने डिनोट किया RC, यानी कि कोर का रिलक्टेंस। और ये जो एयर गैप आपको दिख रहा है, ये एयर गैप का रिलक्टेंस मैंने डिनोट किया इसको RC, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे, मतलब आप सिमिलैरिटी अगर पता कर लेते हैं। चूँकि मैं आपको एनालॉजी यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट काफ़ी बचपन से पढ़ा है पर मैग्नेटिक सर्किट नहीं पढ़ा है। तो मैग्नेटिक सर्किट आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, और अगर आपको दिखने लग जाएगा तो ऑफकोर्स आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम मूव करते हैं आगे के टॉपिक पे। मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करने वाला ये था कि हम बात कर रहे थे यूजफुल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजफुल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स, ठीक है। तो अब देखिए यूजफुल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स जो होते हैं, ये दोनों फ्लक्स मिलके एक फ्लक्स बनाते हैं, टोटल फ्लक्स। ये बेसिकली ये दोनों मिलके ही आपका टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता करना है, देखिए टोटल फ्लक्स जो है ना आपका, ये सम होगा किसका, यूजफुल फ्लक्स का और लीकेज फ्लक्स का। तो अगर यूजफुल फ्लक्स आपको पता, यूजफुल फ्लक्स भाई वो फ्लक्स जो आपके कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है वो आपका यूजफुल फ्लक्स हो गया। लीकेज फ्लक्स वो हो गया जो आपका वेस्ट जा रहा है, आपके किसी काम नहीं आ रहा, कोई यूज़ नहीं है इसका, एंड ऑफ कोर्स ये एयर में ट्रैवल कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिलक्टेंस। तो मैं आपको बस यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो लीकेज फ्लक्स है आपका, ये लीकेज फ्लक्स आपका आया है बिकॉज ऑफ द रिलक्टेंस ऑफ द कोर एंड द रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप प्रेजेंट इन दिस डायग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं यूजफुल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। अगर मैग्नेटिक परमियाबिलिटी की मैं बात करूं, एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, और ये डायग्राम मोस्ट प्रोबेबली आपको सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी को लेके, ये परमियाबिलिटी को लेके, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है बहुत स्ट्रांगली कि भाई म्यू आर जो है वो आपका लेस दैन इक्वल टू 1 है। अब देखिए म्यू आर है क्या, परमियाबिलिटी है क्या, उसको समझते हैं। तो म्यू परमियाबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। अब म्यू होता है बेसिकली म्यू नॉट और म्यू आर का प्रोडक्ट। क्या होता है, म्यू नॉट और म्यू आर का प्रोडक्ट। म्यू नॉट होता है परमियाबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या होता है भाई, फ्री स्पेस का परमियाबिलिटी जो होता है वही होता है आपका म्यू नॉट। म्यू आर की बात करें तो म्यू आर होता है आपका रिलेटिव परमियाबिलिटी, और रिलेटिव परमियाबिलिटी का मतलब है कि हम ये परमियाबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिलेटिव टू समथिंग। एंड व्हाट इज द रिलेटिव, रिलेटिव क्या है यहाँ पे, हम टर्म हम हमेशा रिलेटिव। देखिए बेसिकली ऐसा है कि अगर हम बात करें, जैसे आपने रिलेटिव स्पीड पढ़ी होगी, रिलेटिव एंगुलर स्पीड पढ़ी होगी, एंड इन सब चीज़ों में आपको ये एक चीज़ पता लगी होगी कि रिलेटिव मतलब हम किसी चीज़ से रिलेट करके उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो म्यूआर आपको दिख रहा है, ये बेसिकली किसी मीडियम का, किसी मटीरियल का म्यूआर होता है। और अगर हम बात करें म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट आपका फ्री स्पेस का परमियाबिलिटी है। ये परमियाबिलिटी आपको हर जगह मिलेगा, चाहे मटेरियल हो या नहीं हो,
हर जगह आपको मिलेगा। इसीलिए हम जब भी परमियाबिलिटी आपको डिफाइन करेंगे तो वो दो परमियाबिलिटी का प्रोडक्ट होगा, एक तो म्यू नॉट, दूसरा म्यू बार। ठीक है, अगर म्यू नॉट निकालना चाहें आप तो म्यू नॉट आपका हो जाता है म्यू बाई म्यू आर। अगर हम म्यू आर की बात करें, सिर्फ म्यू आर की बात करें, तो म्यू आर आपका हो जाएगा म्यू बाई म्यू नॉट। देख रहे, अब देखिए आपको यहाँ से एकदम क्लियर होगा एक चीज कि जो रिलेटिव परमियाबिलिटी की बात कर रहे थे हम, वो रिलेटिव परमियाबिलिटी एक्चुअली क्या है, मीडियम की परमियाबिलिटी यानी कि म्यू और फ्री स्पेस की परमियाबिलिटी के कंपैरिजन में जब हमने डिवीजन किया है म्यू अपॉन म्यू नॉट, इसका मतलब हम इसके रेस्पेक्ट में या इसके रिलेटिव में इसका परमियाबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये आपका हो गया मैग्नेटिक परमियाबिलिटी एंड सॉरी रिलेटिव परमियाबिलिटी। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक परमियाबिलिटी की, तो मैग्नेटिक मटीरियल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा फेरो मैग्नेटिक मटीरियल होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है और डाया मैग्नेटिक होता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो मटीरियल है इसका लेस देन इक्वल टू वन है, और ऐसे केसेस में ऐसे जो मटीरियल्स होते हैं इसको हम लोग डाया मैग्नेटिक मटीरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाया मैग्नेटिक मटीरियल। अब डाया मैग्नेटिक मटीरियल में अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, जितने भी मैग्नेटिक लाइन्स आ रहे हैं, ये आपका मैग्नेट है, ये जो ब्लू कलर का आपका दिख रहा है, नीले रंग का जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, मैग्नेट है। अब मैग्नेट है तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सारी लाइन्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। होना क्या चाहिए था, आइडियली होना क्या चाहिए था, अगर ये अच्छा मटीरियल होता, अच्छा मैग्नेटिक मटीरियल है ही नहीं, और ये कैसे पता लग रहा है भाई, क्योंकि इसका म्यू आर रिलेटिव परमियाबिलिटी जो है भैया ये कम है। कितने से कम है भैया? एक से कम है, यानी लेस देन इक्वल टू वन है। तो रिलेटिव परमियाबिलिटी जो है बहुत कम है इसकी, और इससे ही पता लग जाएगा कि ये मटेरियल अच्छा मटेरियल नहीं है। अगर आप मैग्नेट बनाना चाहते हैं हम इस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक, अब देखिए इसमें जितने भी लाइन्स हैं वो ऑलमोस्ट बाहर से जा रही हैं। ये दो लाइन दिखाई गई है जस्ट बिकॉज ऐसा होता है कि सारी लाइन्स बाहर से नहीं जाएंगी, बट दो लाइन्स जो हैं ये बाहर जा रही हैं। और यहाँ पे अगर चूंकि लेस देन इक्वल टू वन है तो बी लेस देन एच है, बी लेस देन एच है। मैं आपको बताता हूँ एक रिलेशन, b इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच। म्यू हमने देख लिया क्या है, अब देखिए म्यू अगर लेस देन इक्वल टू वन है, म्यू आर अगर लेस देन इक्वल टू वन है तो ऑफकोर्स म्यू लेस देन इक्वल टू वन होगा। एंड चूंकि म्यू लेस देन इक्वल टू वन है तो आप ये देख सकते हैं कि b जो होगा वो किससे कम होगा, h से कम होगा। तो यहाँ पे एक डिनोशन ये भी है कि भाई b जो है लेस देन h। सेकेंड डायग्राम में जो आपको मटेरियल दिखाया गया है ये आपका पैरा मैग्नेटिक मटीरियल है। क्या है? पैरा मैग्नेटिक मटीरियल है। ठीक है, इसमें म्यू जो होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू वन होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू वन होता है, इसी वजह से बी ग्रेटर दैन एच होता है, ये आपको देखना चाहिए। एंड इसमें मोस्टली जो मटीरियल लाइन्स होती हैं वो काफ़ी क्लोज टू मीन लेंथ से जाती हैं, काफ़ी क्लोज टू मीन लेंथ, सॉरी यहाँ पे मैं आपको मीन लेंथ बता रहा हूँ। मीन लेंथ आपको पता होना चाहिए, जो मिडिल लाइन होता है मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड एज अ मीन लाइन और मीन लेंथ ऑफ द मटेरियल। जैसे इसमें मीन लेंथ से दूर जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो मीन लेंथ यहाँ कहीं बीच में था एंड इससे डेविएट कर रहा है, यानी कि रिपेल कर रहा है। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। और अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, थर्ड वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज फेरो मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। तो इसका जो म्यू आर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, किससे? ग्रेटर देन वन होता है लगभग। जैसे अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में जो आपका म्यू आर होता है वो लगभग 6000 से लेके 12000, डिपेंड करता है कि स्टील में आपने क्या मिक्स किया है, तो बेसिकली ग्रेटर देन 2000 होता है। अब इसमें अलग अलग रेंज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। तो ये आपका पूरा जो है आपका एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है परमियाबिलिटी का। रिलक्टेंस मैंने आपको बताया, आपको मैंने फ्लक्स बताया, आपको मैंने MMF बताया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बाद आपको शायद धीरे 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 मशीन के कुछ अंदर के कॉन्सेप्ट्स पता लगने लग जाएंगे। क्योंकि जब आप बात करेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं बहुत बार ये डिस्कस करता हूँ और बहुत बार लोगों से ये पूछता हूँ कि हैव यू एवर सीन
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ओके आपने तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं देखा है, बट कैन यू इमेजिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज वन थिंग, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अनदर थिंग. तो मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो सकता है? तो इन सब का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे. हमारे पास बहुत ज़्यादा समय अभी तो नहीं है, हम ये भी कह लें है भी, क्योंकि आजकल सभी लोग, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं दूसरे कोविड-19 पैंडमिक हमारे पूरी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. बट ऑफकोर्स हम इन सारी प्रॉब्लम से ऊपर उठ के अपना जो गोल है उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो जैसे लेट से कि मेरे पास एक मटीरियल है और इस मटीरियल में ये एक मैग्नेटिक मटीरियल है. इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका मैग्नेटिक मटीरियल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी पिछले थोड़ी देर पहले ये बताया कि तीन तरीके की मटीरियल है हमारे पास, पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक और आपका फेरोमैग्नेटिक. तो हम जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करना चाहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि कुछ वायर जो है किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड क्या कर देंगे, वाउंड कर देंगे और फिर यहाँ पे ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है ये एक मैग्नेट बन जाएगा. तो दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. कि भैया आपने क्या किया, एक लोहा लिया, लोहा तो मोस्टली लोग लोहे को मैग्नेट से चिपकता देखते होंगे, बट आयरन इज़ वन ऑफ द मेटल और वन ऑफ द मटीरियल विच कैन बी मैग्नेटाइज ईजिली. तो वो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है. तो मैंने आपको बताया जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल हैं उसके म्यू जो होते हैं, म्यू आर जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है. ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना बहुत ईजी है. इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए ईजी है क्योंकि भाई आपके पास कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल चाहिए, एक वायर चाहिए और एक सोर्स लगा के आपने अगर इसमें करंट पास करा दिया तो दिस विल बिकम अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. दिस विल बिकम अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. और हमारे सारे मशीन में जितनी भी मशीनें हम यूज़ करते हैं उस सारे मशीन में जो मैग्नेट यूज़ होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें जैसे मैंने आपको बताया B इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच. एक और चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जो फाई B होता है वो आपका होता है फाई डिवाइडेड बाई A. B को हम लोग एक्चुअली में क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी. क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, तो ये होता है आपका फ्लक्स डेंसिटी. ठीक, तो अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बता दिया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजिंग अ मटेरियल थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल सोर्स. दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिफाइन करना या कहीं कुछ नहीं आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है. ठीक है, तो अब हम अगर बात करें, देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होती है कि भाई आप, जैसे आपको मैंने बताया अभी, आपको मैंने आपको रिलेवेंस बताया, तो मैं आपको रिलेवेंस लिख देता हूँ. जैसे मैंने आपको बताया MF जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर टू EMF होता है. अगर मैं बात करूँ फ्लक्स की तो फ्लक्स जो होता है वो सिमिलर टू करंट होता है. और अगर मैं बात करूँ आपके रिलक्टेंस की तो रिलक्टेंस को मैं RL से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी ये आपका RL हो गया. ठीक है, एंड ये इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ इसके रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अब एक तरफ है आपका मैग्नेटिक सर्किट और एक तरफ है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट. अब इन दोनों सर्किट्स में आप देखेंगे कि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत सिमिलर हैं और इनका फंक्शन भी एक्चुअली में सेम है, बस एक मैग्नेटिक सर्किट में है सारी चीज़ें, एक है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, तो अब अगर हम फार्मूले से देखें तो आपको ये पता होगा, मैंने आपको अभी बताया था B इज इक्वल टू फाई अपॉन A आता है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका B इंटू A. ठीक है, दिस इज इक्वालिटी साइन. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, चूँकि हमें पता है बी का रिलेशन मैंने आपको बताया था म्यू इंटू एच होता है इंटू ए, और एच को अगर हम लिखें तो एच आपका क्या हो जाएगा एन इंटू आई डिवाइडेड बाई एल. मैं लेंथ के कंपैरिजन में एच को मेज़र कर रहा हूँ तो मैंने डिवाइडेड बाई एल कर दिया. ठीक है, वैसे फार्मूला एन इंटू आई होता है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि ये फाई जो आपका हो गया दिस इज लाइक म्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई एल
इंटू एन इंटू आई, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका है, अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि फाई जो हुआ वो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, दिस इज ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका रिलक्टेंस है, और ये इसको मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, ये जो आपका है दिस इज, ये जो आपको दिख रहा है, सॉरी, ये आपका n इंटू आई जो है आपका h है, दिस इज h एंड दिस इज r l, क्या है हमारा h इंटू r l। तो ये जो r l है, यहाँ से मुझे r l की वैल्यू मिल गई, r l क्या आया आपका, r l आया है म्यू इंटू a डिवाइडेड बाई l। तो रिलक्टेंस का जो फार्मूला है हमारा वो यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्म्स और बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे, बट हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए, एंड नेक्स्ट टॉपिक में जब हम मिलेंगे तो कुछ और भी अच्छे टॉपिक के साथ इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।